इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी, हाँ बोलना। क्यूट है ना? और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। अरुण बोल रहे हो क्या भाई? जी मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सहजानपुर से कल्लू सिंह मौर्या बोल रहे हैं। जी क्या करते हैं कल्लू जी? कुछ नहीं, गेहूँ की कटाई चल रही है इस टाइम। और मौसम कैसा है आपके इलाके में, क्योंकि हमारी तरफ तो थोड़ा सा आंधी पानी जैसी स्थिति बन रही है। हमारे मौसम साफ है, गर्मी पड़ रही है, धूप तेज पड़ रही है। जी जी, किस प्रदेश में है आपकी ये जगह? शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर। अच्छा, शाहजहांपुर जिसे कहते हैं। हाँ, शाहजहांपुर कहते हैं, बरेली के पास में। जी जी, बहुत बढ़िया। और रेडियो किस तरह से सुनते हैं, ऐप के जरिए या फिर ऑनलाइन सुनते हैं? ऐप के जरिए सुनते हैं, ऑनलाइन नहीं सुनते हैं। आपका प्रसारण कितनी दूर तक जाता है एफएम पे? जी हमारा तो ऐप पे दुनिया भर में सुना जाता है। एफएम तो सब जगह 70-80 किलोमीटर ही रहता है, पूरे हर जगह कहीं भी ट्रांसमीटर होगा तो। हमारा बरेली का रहता है कम से कम 150-200 किलोमीटर तक। कौन सा गीत आपको सुनना है कार्यक्रम में आज? हमको गाना सुनना है भोजपुरी में, चल जाएगा गाना? जी कौन सा गाना, जो फिल्म का होना चाहिए लेकिन? फिल्म का? हाँ हाँ, ये फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम है। तो एक गाना है, रत्ता तो मिल गया मंजिल को ढूंढ लूंगा, दूध का कलश लूंगा गाना है, चला दीजिए आप। जी जी, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है दूध का कर्ज, शब्बीर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, अनु मलिक का संगीत। गीत सुनते हैं, नमस्कार, शुक्रिया। रास्ता तो मिल गया है मंजिल को ढूंढ लूंगा, मैं कत्ल होके अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है मंजिल को ढूंढ लूंगा, मैं कत्ल होके अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है मंजिल को ढूंढ लूंगा।
डूब भी गया तू, मैं डूब भी गया तू, साहिल को ढूंढ लूंगा मैं पतन हो के अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। किसी ने इस बुजदिली से मारा, पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है, पर्दे में वो छुपा है, बुजदिल को ढूंढ लूंगा मैं कत्ल होके अपने आदिल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। मैं अपने दुश्मनों की महफिल को ढूंढ लूंगा मैं पतल होके अपने बादल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा मैं पतल होके अपने बादल को ढूंढ लूंगा। रास्ता तो मिल गया है, मंजिल को ढूंढ लूंगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा हूँ सर। आज फिर से ट्राई किया तो आज जी बिल्कुल कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि 10 साल, 8 साल, 1 महीने, 6 महीने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि वो सिर्फ एक बार फोन लगा करके फिर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं सर, वो ही कारण है, आपका कहना सही है सर। हम बिल्कुल बार 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 जी, अब जैसे आपसे अगर दो तीन
जी गला सुखा देते हैं मोबाइल का, इतनी जोर से मतलब बंद करते हैं, काटते रहते हैं, लगाते रहते हैं। हाँ होता ही है, जैसे अगर आपसे मेरी 2 मिनट बात होगी अगर, तो उस 2 मिनट में तो जो भी श्रोता कॉल करेंगे उनसे बात नहीं हो पाएगी ना, तो वो कहते हैं कि हमारी बात नहीं हो पाई। बहरहाल हर चीज को समझने की जरूरत है। मौसम कैसा है, क्या काम काज चल रहा है आपका? सर ये धूप ऊप भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही, मतलब ये मिक्स हो रहा है पूरा माहौल। जी थोड़ा सा ये है कि हमारी तरफ भी धूल भरी आंधी है और कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल हो रहे हैं, बूंदाबांदी हो रही है, तो मौसम बड़ा आजकल अटपटा हो रहा है। जाड़े के समय में भी अटपटा जैसा बारिश हो जा रही है बार बार रह करके, और गर्मी के दिनों में भी वही हाल है। सर ये तीन साल से तो ऐसा ही हो रहा है, गर्मी में बारिश बिल्कुल बराबर हो रही है सर। जी जी, और प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक नंबर प्रोग्राम है सर। मैं ये बोलता हूँ दिल खोल के, अगर आप दिल्ली में भी मुझे बुलवाओगे मैं बोल दूंगा कि वाराणसी केंद्र के एक नंबर प्रोग्राम है सर, मैं बोल रहा हूँ सर। जी जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत है। और अब बता दें कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? बना रहे हो आप मतलब ये मतलब पत्रों का प्रोग्राम है, व्हाट्सएप प्रोग्राम है, ईमेल प्रोग्राम है, और ये फार्मेसी प्रोग्राम है, और डॉक्टर साहब की प्रोग्राम है, बहुत अच्छे लगते हैं सर। चलिए हम सबको जानकर अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगी, आप जैसे श्रोताओं की बदौलत ही हम लोग अच्छा कर पाते हैं आप लोग के प्रोत्साहन के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप है रेडियो श्रोताओं का, मतलब तो वो पूछते हैं कि कहाँ के प्रोग्राम, तो सबसे फर्स्ट में मैं सबसे ज्यादा तारीफ वाराणसी केंद्र की लिखता हूँ सर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बाकी के सब लोग सब बोलते हैं बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, और राम बाबू जी आप बिल्कुल सही बात है, वाराणसी केंद्र के हम भी सुनते हैं और वास्तविक में एक नंबर प्रोग्राम पेश करते हैं वहाँ। देखिए रेडियो की सफलता इसी में है कि श्रोताओं को उसके कार्यक्रम पसंद आए, और दूसरी बात यह कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सहभागिता होगी कार्यक्रम उतने अच्छे बनेंगे और उतने लोगों तक पहुँचेंगे। जी सर, तो कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? सर एक नया गाना है सर, तेरी बातों में मुझे उलझा दिया, उसका एक नया गाना चल रहा है सर, यदि वो मिल जाए तो अच्छी बात। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गले लग जा, ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। दो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया, तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया, तेरी बातों में समझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश।
बदरुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका। इस बार रमजान का महीना कैसा रहा? बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं हुई, लेकिन दोपहर में तो धूप बहुत तेज हो रही थी। नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं थी, 20 रोजा के बाद थोड़ा गर्मी जी जी हुआ जी, थोड़ा गर्मी एहसास हुआ। और इस बीच रेडियो का आपका हम लोग का साथ बना रहा, सुनते रहे आप लोग मुसलसल? जी जी, सुन तो रहे थे सर, थोड़ा जितना मौका मिला उतना सुन लिया। आप आज के बाद कल से तो सुना जाएगा फिर से। बिल्कुल। और आज तो किस गाने की फरमाइश है आपकी? ऐसे कोई भी गीत, काजल मुखी से कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा रफी साहब का। तू लेने दो नाजुक होतो को, इसी तरह गाना है ना सर? साहिल उद्यानवी के बोल है, रवि का संगीत है। गीत आपको सुनवा रहे हैं, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, नमस्कार, स्वागत है प्रोग्राम में आपका। कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते, अरुण जी बात कर रहे हैं। जी जी, नाम बताएं अपना। जी सर, मेरा नाम रवि है। जी रवि जी, कौन सी जगह से? गुना। जी हाँ हाँ हाँ, गुना में कौन सी जगह पे हैं आप? जी सर, ये गुना में कुमराज तहसील करके है। जी जी, और वहाँ मौसम कैसा है आपके इलाके में इन दिनों? सर मौसम अभी गर्मी का मौसम है होने में तो, लेकिन क्या है कि सर अभी बारिश जैसा बना हुआ है थोड़ा। ये कई श्रोताओं से बात हो रही, देश भर के कई हिस्सों में ये हालात हैं कि थोड़ी सी बूंदाबांदी और आंधी पानी की तरह स्थिति हो रही। क्या करते हैं आप वहाँ पर? सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। जी जी, फिलहाल मैं जॉब भी कर रहा हूँ माइक्रो फाइनेंस में। जी जी, और ये बताएं कि रेडियो के प्रोग्राम किस? जी सर। जी जी, आवाज कोई आने लगी थी। आकाशवाणी के कार्यक्रम किस तरह से आपको लाभदायक लगते हैं, क्या क्या सुनते हैं आप?
सर, आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम जो है मुझे बहुत पसंद है, खासकर हेलो फरमाइश काफी टाइम से सुन रहा हूँ सर मैं। जी जी। और वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन सर क्या है कि मैं आजकल यूट्यूब पे भी जो है आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए वही वो जरिया है कि जब भी आपको वक्त मिले आप हम लोगों के कार्यक्रम वहाँ सुन सकते हैं। जी जी सर, मैं मुझे सर इतना अच्छा लगता है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर मैं आपसे बात करने का, मुझे सर बीते 2-3 हफ्तों से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन किसी कारण से सर मैं बात नहीं कर पा रहा था। जी जी, अब वही होता है कि जैसे आपसे बात हो रही है तो कुछ एक श्रोताओं को तो इंतजार करना होगा और उनका लाइन बिजी मिलेगा या फिर उनका फोन नहीं लग पाएगा, तो थोड़ा सा उसी लिए हम कहते हैं कि निरंतर 10-15 मिनट आप प्रयास अगर कोई भी श्रोता करेगा तो फोन जरूर लग जाएगा, और उसी के तहत कई श्रोता हैं जिनके हर हफ्ते फोन लग जाते हैं। आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? आपसे बात कर। जी सर, कौन सा गीत आपको सुनवा दें? सर गीत एक्चुअली मैंने एग्जैक्ट सोचा नहीं था, मुझे लगना रहा था कि कोई लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ आ ही नहीं रहा था सर। जी जी। और क्या हॉबीज है, क्या शौक है आपके, काम काज के अलावा क्या अच्छा लगता है? रेडियो तो सुनते ही आप जब आप वक्त मिलता है। सर रेडियो के अलावा सर मेरी जो सबसे पसंदीदा चीज है सर वो मेरा म्यूजिक ही है, और खासकर सर 90s का म्यूजिक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। 90s तो सिर्फ सुनते हैं या फिर सुनते सुनते थोड़ा बहुत गाने भी लगे हैं? जी सर, गाने का मुझे बहुत शौक है। जी जी। लेकिन कभी ऐसे एग्जाम मंच मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया सर। तो हमारे प्रोग्राम में आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे श्रोता ट्राई करते हैं और बड़ा उनका लोग पसंद भी करते हैं। जी जी। और हमारे एक श्रोता है उदयपुरिया से है, क्या नाम उनका? जी नाम नहीं आ रहा सर, वो एक्चुअली उनकी आवाजें ज्यादातर सुनने को मिलती है विविध भारती के प्रोग्राम में। जी जी। उदिता जी, उदिता जी है एक श्रोता हमारी, उनकी आवाज बड़ी अच्छी है, वो अक्सर हमें सुनाई देती है हेलो फरमाइश इन प्रोग्राम पे। जी जी, बहुत सारे श्रोता हैं जो नियमित रूप से कार्यक्रमों में आते हैं और भाग लेते हैं। आप भी अब क्या, कौन सा गीत सुनेंगे, आपको याद आ गया होगा? सर गीत आप मुझे अरिजीत सिंह का है। जी, वैसे 90s का शौकीन हूँ लेकिन अब मैं मेरी वाइफ का नाम लेना चाहूंगा सर, राखी नाम है उनका, तो उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं। एक गाने के बोल हैं तुम ही हो, आशिकी 2 का गाना है, 2013 में आया था, मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है सर आशिकी 2 का। जी जी। तो आप कुछ गुनगुनाएंगे? आप कह रहे थे कि आप थोड़ा सा गाने का भी शौक रखते हैं। जी जी सर, गाने का शौक है जी, मैं गुनगुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ा नर्वस हूँ सर मैं, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, देखिए आदमी शुरुआत करता है कहीं से, तो इसी का सुना देता हूँ मैं जो आशिकी 2 का है। जी, क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा गाते हैं आप, अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजें हैं इसमें, और इरशाद कामिल के बोल, मिथुन का संगीत। गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिकी 2 फिल्म से। जी सर, शुक्रिया, नमस्कार। तू मुझे छोड़ जाए सदा, मेरी याद में तेरी फिक्र सदा, मैं जो भी हूँ तुम ही तो हो, मुझे तुमसे मिली कि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो अर्ज भी मेरा
दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो जान भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, कार्यक्रम। हेलो, फोन इन फरमाइश। हाँ हेलो सर जी, नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अरे बहुत दिनों से लगा रहा हूँ, लग नहीं था। हाँ ये तो देखिए आज लग गया, खुशी की बात है, क्योंकि देखिए बात करने वाला एक ही है और फोन करने वाले बहुत सारे हैं, तो एक व्यक्ति से जब बात होगी तो बाकी को इंतजार करना होता, बस इतनी सी बात है। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम चित्तनपुरा से बदरुद्दीन बोल रहे हैं। वाह, बदरुद्दीन नाम के तो हमारे कई एक श्रोता हैं जो नियमित रूप से फोन करते हैं, आपका भी हम स्वागत इस्तकबाल करते हैं। रमजान का महीना इस बार कैसा रहा? हालांकि मौसम कुछ कुछ ठीक ठाक था। बहुत अच्छा बीता और इंशाल्लाह अगले पारी भी हम लोग को नसीब हो। बिल्कुल, हम लोग यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि हमारे सभी श्रोता खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और ये बताएं कि अब तो ईद की तैयारियां जोरदार होंगी और एक अरसे तक मिलना जुलना होता है लोगों से। हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपन लोग जो है सब लोग हम लोग मिलजुल के जो है ईद करते हैं। जी जी, गले मिलते हैं, जाते हैं, सेमई लेकर जाते हैं। जी जी, और आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? आज गाने की फरमाइश है ईद मुबारक। जी मुबारक, ईद मुबारक। फिल्म है हीरो हिंदुस्तानी। आप सभी को जो है ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी, आप सबको भी। आइए गीत सुनते हैं, आपकी फरमाइश का बहुत शुक्रिया, नमस्कार। We'll be right back.
السلام علیکم وعلیکم سلام او کالے برقعے والی بتا دے اپنا نام السلام علیکم وعلیکم سلام او کالے برقعے والی بتا دے اپنا نام नहीं छोड़ूंगा दिल से दिल जोड़ूंगा दिल तो है आशिक दीवाना नहीं है दिल वालों की तो पुरानी है नींद मिलो तुम गले सबसे आई है ईद मुबारक मुबारक आई है ईद ईद मुबारक आई है ईद السلام علیکم وعلیکم سلام ہیرو ہندوستانی کا سب کو سلام السلام علیکم وعلیکم سلام ہیرو ہندوستانی کا سب کو سلام تو میرا دل ہے میری جان ہے تو جان ہے کیا میرا ایمان ہے تو چاہ تجھے میں نے چاہت سے بڑھ کر की है मोहब्बत मोहब्बत से बढ़कर मुझे तो ये कहना है संग तेरे रहना है तेरा मेरा अफसाना सदियों पुराना यही मेरा वादा है यही तो इरादा है तेरे लिए छोड़ूंगा सारा जमाना ये प्यार ही तो दिलों का है बीत मिलो तुम गले सबसे आई है ईद एक धरती कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश जी सर नमस्कार नमस्कार
आज कुछ कमी है तेरे बगैर, आज कुछ कमी है तेरे बगैर, ना रंग है ना रोशनी है तेरे बगैर। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा है, बस धड़कन थमी है तेरे बगैर। वाह, लेकिन आप आ गए तो धड़कने बिल्कुल काबू में आ गई और रफ्तार से सब कुछ चल रहा है। वक्त तो चलता रहता है, लेकिन इस वक्त में आप जैसे लोगों का साथ हो तो फिर वक्त अच्छा हो जाता है, खुशियों भरा हो जाता है। नाम क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सर, मैं ग्राम पोस्ट वक्त से ना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील तातागंज से आपका अपना श्रोता विमल बात कर रहा हूँ। सर विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे श्रोता कहते हैं कि उनके फोन नहीं लगते और कई कई तो 10-12 वर्षों का जिक्र करते हैं, लेकिन आप जैसे श्रोता हैं जो बहुत ही मोहब्बत से, तलीनता से, निरंतरता से कॉल लगाते हैं और उनके फोन लग जाते हैं, तो उन श्रोताओं को क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो अपनी सभी श्रोताओं से जिनका कॉल नहीं लग रहा उनके लिए भी एक संदेश ये है कि अगर तुम किसी का प्रयास करोगे, किसी भी चीज का, मान लो कोई भी चीज है, घर खेत पास कहीं भी काम करो या कोई फोन लगाने की है, तो अगर प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिली। और जो लगन से प्रयास करते हैं, दिल से प्रयास करते हैं, उनके लिए जल्दी ही मतलब उनकी सफलता का फल मिलता है। सर क्या बात है, ये आपने सही कहा। और बहुत सारे श्रोता हैं जो लगन से, दिल से और चाहते हैं कि बातें हो जाए कार्यक्रम में, वो भाग लें तो उन्हें सफलता भी मिल जाती है। और कैसे हैं, क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है आपके इलाके में? जी सर, मौसम तो हमारे यहाँ पे अच्छा है, इस समय ज्यादा गर्मी नहीं है, पर गर्मी के साथ जो हवाएं चल रही ठंडी ठंडी वो राहत भरी है, हल्की सी हवाएं चल रही हैं। और इस खूबसूरत से मौसम में मैं इस समय खेत पर हूँ और गेहूं की कटाई कर रहा था, उसमें से थोड़ा सा समय निकाला और देखो हमारी कॉल लगी। इसे कहते हैं दिल से चाहना और दिल से कॉल लगाना। बहुत बढ़िया, यानी कि आप कामकाज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना ये जो रेडियो के साथ जुड़ाव है उसे बरकरार रखे हुए हैं। बिल्कुल सर, इसलिए मैं कॉल लगाता हूँ, जैसे कि आज हमने जो फोन लगाया है वो संडे या शनिवार को हमें सुनने को मिलेगा, तो न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हम अपने पॉकेट में फोन रख लेते हैं और लगातार काम भी करते रहते हैं और अपनी फरमाइश आने का इंतजार भी करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है, तो कौन सा गीत आज हम आपको सुनवाए कार्यक्रम में? मूवी का नाम रहेगा चांद के पार चलो और इसमें एक सॉन्ग है दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, ये सॉन्ग सुनवा दीजिएगा सर। गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पूछ लेगा ढूंढ लेगा, पूछ लेगा हाँ ढूंढ लेगा, ढूंढ लेगा।
कुछ बातें जिनसे दुनिया बेखबर है। हाँ तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, हम दोनों के किस्से दुनिया सुनाएगी। मेरी दोस्ती का नहीं पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, पूछ लेगा ढूंढ लेगा, पूछ लेगा हाँ ढूंढ लेगा। बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, तुझ में है कुछ बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, तुझको है ले जाना जहां सबकी नजर है। मेरी हसरतों का, मेरी हसरतों का नहीं पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। चाहे तू बता चाहे ना बता, चाहे तू बता चाहे ना बता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। दिन खोजा तिन पाया घरे पानी पैक, मैं बबरी धुबन बुरंदरी रही किनारे पैक। ये तो है, देखिए कितना अच्छा दोहे में कहा गया है। ये आप अरुण कुमार पांडे बोल रहे हैं? जी मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ और कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश, आकाशवाणी वाराणसी FM से जुड़ चुके हैं आप। हम विश्वास उपाध्याय बोल रहे हैं बनारस जिले से सर। जी जी। और बहुत ये हार्दिक इच्छा थी आपसे बात करने की और आज भगवान उसको पूरा कर दिया। और हम बहुत पुराने श्रोता हैं वाराणसी जिले के आकाशवाणी से, सन 1970 से हम प्रोग्राम सुनते हैं सर, और आज तक लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं और हमको बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर के। और श्रोता हमारे ऊपर कहेंगे कि कितनी बात कर रहा है आदमी। जी जी। तो ये सर हमको एक
गाना तो दीजिए, उधर फिल्म का है और ये आप कंठस्थ है सारे, आपको सारे गीतकार और संगीतकार नाम खुद कर जी 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 नहीं हाँ कुदरत अरे नहीं सर मजरू सुल्तानपुर ने गीत लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और कुदरत फिल्म का है गाना जी जी। कौन सा गीत लता सुने और रंगीले कैसा जादू, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है अपने दौर का, लता मंगेशकर ने इसे गाया। बाकी डिटेल तो आपने बताया बहुत सही था, संगीत राहुल देव बर्मन का है इस फिल्म में, राहुल देव बर्मन हाँ, का है। 1980 की फिल्म है जी जी। धन्यवाद, नमस्कार जी। नमस्कार, गीत आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, बहुत शुक्रिया। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फोन करना है। बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच हमारा फोन नंबर है 2221052 यानी 222-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। अब आज का प्रोग्राम खत्म करने की अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
बदन शोला अदा बिजली बदन शोला भवे खंजर नजर कातिल गलत क्या है हमें कहती है ये दुनिया अगर कातिल तो फिर निगाह नाज के दिल बना दिया है तुम्हें तो हमीन इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें हमीन हो तो हाँ हाँ हमीन हो तो ओहो हमीन हो हमीन हो तो नजारों का हाल क्या होगा हमीन हो तो नजारों का हाल क्या होगा क्या होगा क्या होगा अमीन हूँ तो चार दिन में हाँ हाँ के चार दिन में चार दिन में के चार दिन में चार दिन में के चार दिन में चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा के चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा क्या होगा क्या होगा के चार दिन में क्योंकि रंग बदल जाता है वाह वाह ये वो मेहमान है जो आ जाता है कल जाता है इश्क पर नाज करे कोई तो कुछ बात भी है हुस्न का नाजी ही क्या हुस्न तो ढल जाता है आहे हुस्न का नाजी ही क्या हुस्न तो ढल जाता है बहार हुस्न सलामत खुदा से पूछ जरा के चार दिन में ओ हो के चार दिन में बाहरों का हाल क्या होगा के चार दिन में